आया है ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट पे हम क्या क्या एंट्री लिए हैं। अभी मेरा ये पोजीशन लाइव है, ठीक है, जो कि मेरे को 2500 का प्रॉफिट दिखा रहा है। ओवरऑल ओवर ट्रेडिंग की वजह से बोल सकते हैं मेरा थोड़ा लॉस हुआ था, 2000 का प्रॉफिट अभी भी काट पिट के चल रहा है मेरा। तो ये मेरा ट्रेड थोड़ा क्या है, होल्ड पे है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा होल्ड करेंगे, थोड़ा लॉन्ग इसको होल्ड करेंगे। 90 क्वांटिटी, कोई ज़्यादा क्वांटिटी हम लेके नहीं रखे। प्रॉफिट में 2400 के आसपास में जा चुका है। एंड यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी का चार्ट को देखें तो बैंक निफ्टी में आया है क्या ब्रेकआउट, ठीक है। इस जगह पर अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी ये रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक किया। और ब्रेक जो हुआ है वो डायरेक्ट नहीं हुआ है, वो यहाँ पे रेंज क्रिएट करके, यहाँ पे जो रेंज क्रिएट किया उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। एक बहुत अच्छा बात था कि यहाँ पे रेंज क्रिएट करके ब्रेक किया। यहाँ पे हम जो टारगेट ले रहे, कम से कम ये गैप फिलिंग तक का टारगेट ले रहे हैं, तो 3200 तक हमें प्रॉफिट जा चुका है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी हम निकाल देंगे, ज़्यादा हम क्वांटिटी को ये नहीं करेंगे, 60 क्वांटिटी निकाल के, ठीक है। बाकी का जो यहाँ पे SL है, थोड़ा SL को हम यहाँ पे मॉडिफाइड करते हैं। SL मेरा रहेगा 30 क्वांटिटी का और हम 60 क्वांटिटी यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करेंगे, ठीक है। तो 60 क्वांटिटी अराउंड हम यहाँ पे बुक कर रहे हैं, 4000 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, जो 30 क्वांटिटी, इसको हम यहाँ पे 30 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस लगा के ट्रायल करेंगे। प्रॉफिट को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, हम सेटिस्फाइड ये प्रॉफिट के संग में। इवन मेरा कैपिटल अगर देखें तो 50,000 के अराउंड में कैपिटल लेके चल रहे हैं। अब ये ट्रेड को हम देखते हैं कहाँ तक जाता है। ओवरऑल हम इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे 47,900 तक। डे एंड तक भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि अभी नीचे गिरने का चांसेस कम है। ब्रेकआउट आया तो ओवरऑल ये ऊपर ही जाने का कोशिश में लगा रहेगा। थैंक यू।